हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग रिसेप्टर्स के बारे में। तो दोस्तों, दिस इज पार्ट वन ऑफ वीडियो। पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे ड्रग रिसेप्टर्स इंटरेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स बेसिकली रेफर्स टू व्हाट मेडिकेशन डू टू द बॉडी एंड हाउ दे डू इट। मतलब जो मेडिकेशन है वो शरीर के साथ क्या करती है और वो कैसे करती है, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो ये सब समझने के लिए हमें पढ़ना होता है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। सबसे पहले हम ड्रग लेते हैं तो वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करती है। तो आज हम जानेंगे कुछ रिसेप्टर्स के बारे में। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, बेसिक्स समझ लेते हैं पहले। लीगेंड बाइंड करता है रिसेप्टर से और प्रोड्यूस करता है एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो लाइगेंड या फिर लीगेंड क्या होता है? बेसिकली ligands are the substance which interact with the receptors. Ligands, toxins भी हो सकते हैं, medication या फिर drugs भी हो सकते हैं, hormones भी हो सकते हैं। तो these are ligands और वो bind करते हैं receptor से, interact करते हैं basically और produce करते हैं एक biological response। तो दोस्तों, receptor क्या होता है? Receptor basically होता है एक macromolecule, मतलब एक large molecule। रिसेप्टर से अगर कोई भी लिगेंड बाइंड करता है तो प्रोड्यूस करता है ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। किसी भी मॉलिक्यूल को या मैक्रो मॉलिक्यूल को हम रिसेप्टर कब कहेंगे? जब कहेंगे जब वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे अगर उससे कोई लिगेंड बाइंड करे। अगर उससे लिगेंड बाइंड करता है और वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब जो भी मतलब एक्शन एक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं करता तो उसे हम रिसेप्टर नहीं कह सकते। जैसे कि सपोज बहुत सारे ड्रग हैं वो जाते जाते प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन या फिर प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन के बाइंड होने के बाद वो ट्रेवल करते रहते हैं तो उसे हम रिसेप्टर नहीं कहेंगे। वो प्लाज्मा प्रोटीन किसी भी चीज के रिसेप्टर नहीं है, हालांकि वो मैक्रोमोलिक्यूल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो रिसेप्टर्स भी हैं। तो दोस्तों, लिगेंड और रिसेप्टर जब इंटरेक्ट करते हैं तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ये था दोस्तों बेसिक्स। नाउ रिसेप्टर्स बेसिकली मेजरली टू उसमें डिवाइड कर सकते हैं हम टू ग्रुप में, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स और सेल सरफेस रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स दोस्तों कौन से हो सकते हैं? जो सेल के साइटोप्लाज्म में अगर हो या फिर सेल के न्यूक्लियस पे, वो मतलब सेल के अंदर होंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर नाम से ही पता चल रहा है, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। तो दोस्तों, ये क्या चीज डिफाइन करेगी कि मतलब कौन सा लिगेंड जो है, लाइगेंड जो है, वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा या सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड करेगा? तो दोस्तों, इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर है किसी भी लाइगेंड के लिए, तो उसमें किस तरह के लाइगेंड बाइंड करेंगे? खुद सोचिए, लिपिड सॉल्युबल होंगे वो। सपोज ये मेम्ब्रेन है किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है मतलब वो तो साइटोप्लाज्म में होगा या न्यूक्लियस पे होगा। तो दोस्तों, वही लाइगेंड इनसे बाइंड करेंगे जो कि सीधे ट्रेवल कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके। तो बेसिकली वो लिपिड सॉल्युबल होंगे, लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर पाएंगे। वो साइज में छोटे होंगे, बड़े मॉलिक्यूल इतनी आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होंगे, मतलब वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल्स होंगे। जो भी ड्रग्स होंगे या लाइगेंड्स बता रहा हूं मैं, वो वाटर हीटिंग होंगे। मतलब हमेशा ये चीज याद रखिए कि सेल के जो आउटर एरिया होता है वहां पे सोडियम, हमेशा सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है अंदर के मुकाबले। तो दोस्तों, जहां सोडियम ज्यादा वहां नेचुरली वाटर भी ज्यादा होता है। तो वाटर हीटिंग मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे वाटर ज्यादा है तो बेसिकली वो क्रॉस करके अंदर आना चाहेंगे सेल के। तो इस तरह के जो मतलब ड्रग्स होते हैं या लाइगेंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। और सेल सरफेस रिसेप्टर से कौन बाइंड करता है? सरफेस पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे कौन से मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं? जो कि साइज में बहुत बड़े हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते, तो उन्हें कुछ मतलब सपोर्ट चाहिए होता है किसी का, जो सेल सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके लिए। और दोस्तों, जो हाईली पोलर हो, हाईली पोलर मतलब उनके पास चार्ज हो, बहुत ज्यादा चार्ज हो, हाईली पॉजिटिव हाईली नेगेटिव, कोई भी सेल की मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स को अंदर बाहर इजीली नहीं करने देती है, इसलिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल सरफेस पे, तब वो जा सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, उनकी मतलब जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है सेल्स की वो चेंज हो जाती है,
तो इसलिए वो सेल सरफेस रिसेप्टर से पहले बाइंड करते हैं, फिर जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चार तरह की बेसिकली क्लासेस हैं, अगर चार मोस्ट कॉमन क्लासेस हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स एंड इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। इनमें से ये जो तीन हैं ये सेल सरफेस से रिलेटेड हैं, और ये इंट्रा सेलुलर, जैसे कि नाम से बताया, ये सेल के अंदर होते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो दोस्तों ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं। तो दोस्तों ये जो है ना सेल मेम्ब्रेन, उसमें ये अलाइन होते हैं इस तरह से, ट्रांस मेम्ब्रेन बोला गया इसलिए से। लाइगेंड गेटेड मतलब लाइगेंड आके इनसे बाइंड करेगा, लाइगेंड अगर इनके गेट पे आएगा तभी ये गेट ओपन करेंगे इस तरह। ये देखिए पहले यहाँ पे नॉर्मली क्लोज था, ये गेट जाने का रास्ता नहीं है, लाइगेंड आया, लाइगेंड यहाँ पे बाइंड किया तब ये गेट ओपन हुआ, और फिर ये कैल्शियम आयन्स या आयन एक्सचेंज हुआ सेल के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। तो बेसिकली ये है ट्रांस मेम्ब्रेन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। जब ये आयन्स अंदर बाहर होंगे तो सेल की प्रॉपर्टीज या फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, बेसिकली ना सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है स्नेक जैसा है कुछ कुछ, सेवन पास मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं ना। तो दोस्तों ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका ये होता है, नॉर्मल रिसेप्टर है, ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, यहाँ पे अगर कुछ बाइंड करता है तभी ये फंक्शन करता है, नॉर्मली ऐसे रहता है ये। यहाँ पे जी प्रोटीन होता है, जी अल्फा सब यूनिट बीटा गामा के साथ होती है, और ये पार्टली एसोसिएटेड होता है जीडीपी मॉलिक्यूल से, ये एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल है, अगर ये इससे ये एसोसिएटेड रहता है तो ये कुछ ज्यादा एक्शन नहीं करता, नॉर्मल स्टेबल स्टेट में रहता है। बट एगोनिस्ट मतलब कोई भी ड्रग जो भी किसी भी सेल की फंक्शनैलिटी इन्हेंस करना चाहता है, ऐसा कुछ भी बाइंड करता है, तो बेसिकली सपोज ये बाइंड कर गया, ड्रग हमारा एगोनिस्ट बाइंड कर गया, तो इसमें कुछ ऐसे चेंज आ जाते हैं इसके इफेक्टर डोमेन में कि ये अल्फा सब यूनिट, जी अल्फा सब यूनिट जीडीपी को छोड़ के जीटीपी एक्वायर कर लेती है। जीटीपी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, और इस चक्कर में ये अपने अल्फा वो गामा और बीटा सब यूनिट को भी अपने से अलग कर देता है। तो दोस्तों उसके बाद ये सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ऐसे तो ये नॉर्मल स्टेबल फॉर्म में रहता है, बट ये एक्टिव हो जाता है जब इसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इस किसी ने इसके रिसेप्टर से इंटरेक्शन किया है, तो फिर ये सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, सेल की फंक्शनैलिटी चेंज होगी। तीसरे नंबर पे है दोस्तों एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स, नाम से समझ आ रहा है कि एंजाइम के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मतलब एक प्रोटीन मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर रहा होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक प्रोटीन होता है, इसमें ऐसा कुछ खुलने वुलने वाला सिस्टम नहीं होता है, सीधे एक प्रोटीन। यहां से अगर कोई ड्रग आके बाइंड करता है सपोज रिसेप्टर से, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन से बेसिकली कह सकते हैं, इसकी टेल जो होती है वो पार्टली एसोसिएटेड होती है टायरोसिन काइनेज से, वो एक एंजाइम है बेसिकली, इससे इसलिए इसे एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर बोला गया है, इससे बाइंड होती है। तो इससे क्या होता है, फर्दर सेल सिग्नलिंग कैस्केड चालू होता है, मतलब एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चालू होती है जिसमें बहुत सारे एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, बेसिकली जो भी हार्मोन्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह के रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स, नाम से पता चल रहा है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो लाइगेंड है ये, ड्रग है कोई भी, वो आएगा अंदर सीधे साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगा, साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर से जाने के बाद ये न्यूक्लियस में चला जाएगा, और फिर ये जेनेटिक कॉन्फिगरेशन चेंज करेगा, या फिर ये डायरेक्ट सीधे सेल के अंदर आएगा, सीधे न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर सेम चीज करेगा, जेनेटिक कॉन्फिगरेशन चेंज करेगा। जेनेटिक कॉन्फिगरेशन चेंज करेगा कहने से मतलब है कि मतलब डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस होगी, उसमें अलग तरीके का एक्शन होगा सेल का, तो चेंज्ड जेनेटिक प्रॉपर्टीज और मॉडिफाइड सेलुलर फंक्शन, सेलुलर फंक्शन जो होगा मॉडिफाइड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अलग हो जाएगा बेसिकली। तो
तो दोस्तों ये था सारा कुछ रिसेप्टर्स के बारे में। अब लेटर ऑन जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट क्या मैकेनिज्म होती है जिससे सेल फंक्शन चेंज हो जाती है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए, बेसिकली ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है तो दो मेन प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। एफिनिटी मतलब कोई भी ड्रग अपने रिसेप्टर से कितनी अच्छे से बाइंड कर रहा है, कितनी पावर के साथ बाइंड कर रहा है। तो दोस्तों ये बताता है पोटेंसी को भी, अगर ये चीज अच्छी होगी, एफिनिटी अच्छी होगी किसी भी चीज की, तो वो ड्रग हाईली पोटेंट माना जाएगा, उसकी पोटेंसी हाई होगी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी, तो दोस्तों इंट्रिंसिक एक्टिविटी बेसिकली होता है इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब ड्रग रिसेप्टर से बाइंड किया तो वो एक्टिवेट भी कर पा रहा है रिसेप्टर को या नहीं, उसके बाइंड होने से अगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, रिसेप्टर में कोई भी सेल सिग्नलिंग इनिशिएट नहीं हो रही है, तो मतलब वो इनएफेक्टिव है। तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स बढ़िया हो, कोई भी ड्रग अच्छे से कारगर हो। दोस्तों एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग कितने अच्छे से काम कर सकती है, मैक्सिमम उसका आउटपुट क्या हो सकता है। जिसकी एफिकेसी अच्छी होगी जिस भी ड्रग की, उसका अमाउंट हमें बहुत कम चाहिए होगा एक अच्छे डिजायर्ड एक्शन के लिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मंडे को जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ड्रग रिसेप्टर्स इंटरेक्शन के बारे में बताऊंगा, मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।